गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतान हंतारो यत् पादां भुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम्। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि समस्त निगम और न्याय आगम निगम वेद शास्त्रों का सार रूप है, उसी के सार रूप तत्सार भूत राशस्त्री भावपूरित विग्रह गोपियां हैं और उन गोपियों के अंतर क्रंदन के रूप में, विरह के रूप में जो गान स्वतः स्वभाववश प्रकट हो जाता है, उसका नाम गोपी गीत है। अभी अधिक मास का भी प्रसंग है तो इन दोनों प्रसंगों में, कथाओं में भी आपस में एक आनंद का सुंदर रूप से संयोजन है, तारतम्य है। सूर्य की संक्रांति न होने से जिस प्रकार अधिक मास का सूर्य ने तथा अन्य देवी देवताओं ने अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, प्रत्येक देवी देवताओं के पास में यह मास गए हैं, यह महीना जो कि एक अधिक में उत्पन्न हुआ, परंतु फिर भी कोई ने शरण में नहीं लिया और इस कारण से जो मंगल मांगलिक कार्य वेदोक्त हैं वो भी इसमें वर्जित माने जाते हैं। तत्पश्चात निस्साधन होकर जब भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की शरण में यह मास गया है तब उन्होंने इस मास को आशीर्वाद प्रदान किया, अभय दान दिया और आज्ञा की कि अब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाए। तो जिस प्रकार निस्साधन होकर दीनता पूर्वक अपने सब अहंकार को छोड़कर जब साधनों का अभाव हो जाता है, अहंकार हृदय में से निकल जाता है, तब प्रभु अपनी अनहद अहेतु की कृपा करते हैं, कृपा करके अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये प्रभु का विशेष महात्म्य इस अधिक मास में देखने को मिलता है। नाना भांति के प्रभु प्रीत्यर्थ, प्रभु के सुख के लिए मनोरथ, ऐसे मनोरथ जो कि गोपिकाओं ने ठाकुर जी के प्रति समर्पित किए हैं, उन्हीं के भाव के अनुरूप ये मनोरथ हमारे यहां भी पुष्टि पुरुषोत्तम को मुखारविंद की सेवा के अंतर्गत समर्पित किए जाते हैं। प्रभु
अपने भक्तों के द्वारा दिए हुए कोई भी भेंट, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। जीव की क्या योग्यता है क्या अयोग्यता है इसका विचार नहीं करते। इसी प्रकार गोपिकाओं की क्या योग्यता है क्या अयोग्यता है इसका भी भगवान विचार नहीं करते। उनके विषय में तो ये कहा, तेनाधीत श्रुतिगणाः तेनोपासित महत्तमाः। ये गोपिकाएं जिन्होंने कोई साधन नहीं किए, कोई तप नहीं किया, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वे तो एक साधारण ग्वालिनी जैसे अपना जीवन यापन करती है। दही में दूध में उसकी आसक्ति होती है, वैसे अपना जीवन यापन करती थी। परंतु जब प्रभु कृपा विचार करें तो कोई भी जीव कैसा भी हो, कोई भी वृत्ति में लगा हो, उसे सहज ही उस वृत्ति में से निकालकर स्वयं के भक्ति का दान करके स्वरूप आनंद का पान करवाते हैं। ये प्रभु की विशेषता है। जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक भगवान का और भागवत का दोनों का स्वरूप हमें समझ नहीं आ सकता। पढ़ने से सुनने से यह संभव नहीं है, परंतु फिर भी श्रद्धापूर्वक श्रवण के माध्यम से प्रभु की कृपा अवश्य बरखेगी बरसेगी, ऐसा मन में विश्वास जैसा एक चातक पक्षी को होता है। स्वाति नक्षत्र में जल बिंदु गिरेंगे और उसका वो पान करेगा तो एक भगवत कृपा की अभिलाषा से भगवत गुणगान में हमको विरह में जीवाने की क्षमता है। यह भागवत ये भगवान स्वरूपात्मक हैं, इसी भाव का पद अभी हम सुनेंगे। ब्रह्म सुने ना
मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ नहीं हो सकता है, श्रीमद् भागवत का तत्व समझ में नहीं आ सकता है। परंतु जब तक भगवत कृपा नहीं होती है, ये रहस्य जानना अत्यंत दुर्लभ है। उदाहरण के रूप में साक्षात प्रभु ने ब्रह्मा जी को भागवत का श्रवण कराया है, परंतु जो भाव उत्पन्न होना चाहिए वे उन्हें भी नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी ज्ञान दृष्टि है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनाई। नारद जी का संकीर्तन में मन है, जहां तहां आप फिरते हुए संकीर्तन करते हैं, उन्हें भी वह रस फलित नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। नारद जी ने सुखदेव जी को सुनाई है, सुखदेव जी भी मुक्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। यद्यपि यहां पर उनका प्रसंग आता है, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को दी गई, और सुखदेव जी के पूर्व वेद व्यास जी जिन्हें चिंता उत्पन्न हुई, वो नारद जी ने उन्हें शिक्षण दिया है, वह प्रकार भी बताया गया। परंतु केवल ताप निवृत्ति अर्थ, ताप की निवृत्ति के लिए मन में जो एक अजानी सी अबूझी सी शंका उत्पन्न हो गई थी वेद व्यास जी की, कि इतने पुराण रच दिए हैं परंतु फिर भी कुछ संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, भगवत लीला का वर्णन अच्छी तरह नहीं हो पाया। सुखदेव जी के पश्चात परीक्षित को सुनाई गई, वे मृत्यु के भय से डरे हुए थे। 7 दिवस में उनको तक्षक नाग खा जाने वाला था, डसने वाला था। तब भी उन्हें सर्वात्म भाव जो गोपियों को सिद्ध हुआ है वह नहीं हो पाया, जबकि भक्ति युत
विदुर जी हैं तथा उनसे भी श्रेष्ठ जो उद्धव जी हैं, उन्हें भगवत कथा भगवत गुणगान लीला श्रवण के माध्यम से स्वतः ये भाव सर्वात्म भाव प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिन पर भगवत कृपा बरसती है तत्व वही है, परंतु उस तत्व को कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता। तो जिस प्रकार वेद वृक्ष का भागवत फल है, इस प्रकार भागवत रूपी वृक्ष के श्रीमद वल्लभ फल हैं, वह फल रूप हैं। उन्होंने प्रकट होकर जो हमको इसका प्रकाश किया है, हमारे सामने इसके अर्थ का विश्लेषण किया है, गूढ़ार्थ समझाया है, मंथन किया है, उसका रसपान हम बहुत कम कर पाते हैं, परंतु उस वाणी का अनुसंधान उनकी कृपा से ही हमको समझ में आ पाएगा। तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा सर्वोत्तम स्तोत्रम। आचार्य चरण की वाणी गूढ़ है, परंतु सरस है, रस युक्त है, अर्थ की उसमें गंभीरता है। भगवत स्वरूप को जानने का सामर्थ्य जिन पर उनकी कृपा होती है वे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लीला काल में भी हम देखें तो गोपियों को जो स्वरूप पुष्टि रूप में दर्शन दिए हैं, बाल स्वरूप में जो क्रीड़ा हो रही है, लीलाएं हो रही हैं, इस प्रकार के दर्शन कंस इत्यादि जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं होते हैं। अथवा अन्य लोग भी महापुरुष समझते हैं, मायावी समझते हैं, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा समझने वाले भक्त लोग जिन पर भगवत कृपा है वही समझ पाते हैं। यही हमारे यहां का सिद्धांत है। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुगुण स्वाम। जब प्रभु की इच्छा होती है कि मैं अपना स्वरूप इनके सामने प्रकट करूं, जब इस प्रकार की कृपा वे करते हैं, तभी उन जीवों के सामने, उन लोगों के सामने, उन भक्तों के सामने इस प्रकार का अलौकिक स्वरूप भगवान प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का भी स्वरूप है। जिन्हें इसका तात्पर्य समझ में आता है, जिन्हें इनका स्वरूप समझ में आता है, वे भगवान के कृपा पात्र भगवदीय जीव हैं। यह एक केवल ग्रंथ मात्र नहीं, अपितु एक भगवदीय जीवन परिपाटी है, शैली है, जिसका अनुकरण करके हमको प्रभु के सम्मुख होने का प्रयास करना है। श्रीमद् भागवत के विषय में कल चर्चा हुई, उसको और आगे बढ़ाते हुए जो प्रभु की लीलाएं हैं वो नित्य हैं, अर्थात पूर्व में हुई हैं, अभी हो रही हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी। बाल लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला प्रभृति जितनी भी लीलाएं हैं वे प्रभु के अलौकिक सामर्थ्य से प्रकट हुई है। उन लीलाओं का कभी भी नाश नहीं होता, नहीं वे कभी उत्पन्न होती हैं। जिनकी उत्पत्ति होती है उनका नाश होता है, परंतु लीला तो रूप में से स्वतः भगवत इच्छा से, प्रभु की इच्छा से आविर्भूत होती है। यहां पर प्रकट और नष्ट होने का भाव नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का जन्म नहीं है और किसी प्रकार से नाश नहीं है,
प्रभु सर्वदा विद्यमान है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद घन स्वरूप है। उसी प्रकार से आपकी लीलाएं भी सच्चिदानंद रूप, आनंद स्वरूपा, अमृत दायिनी, इस प्रकार से निर्दोष एवं नित्य मानी गई। प्रभु के स्वरूप में जैसे कोई प्रकार का दोष लागू नहीं होता। कल हमारी बात चली थी बाल स्वरूप से किसी पात्र को उठा के ऊपर रख दिया, किसी को नीचे रख दिया, ये तो बाल क्रीड़ा है, ये प्रभु की क्रीड़ा स्थली। जैसे उनको दोष नहीं है, ऐसी उनके जो अलौकिक कर्म है, अलौकिक लीलाएं, उसमें भी कोई प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए।